अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबिदीन। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत इलाके में आए हुए हैं, सादकाबाद में, और सादकाबाद का एक खूबसूरत सा गांव है, वहां पे हम आए हुए। तो यहां हम आपको लेके चलेंगे एक ऐसी शॉप पे जहां पे बहुत ही लजीज किस्म के लड्डू, जलेबियां और समोसे तैयार होते हैं। तो चलते हैं हम लोग, पहले देखते हैं कि ये लोग किस तरह तैयार कर रहे होते हैं। नाज़रीन, ये वो समोसे हैं जो मैं आपको करीब से करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इसका मसाला है और ये साहब हैं। भाजन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नवाज साहब। और ठीक है सब माशाल्लाह। आप ये माशाल्लाह कितने अरसे से काम कर रहे हैं? 30 साल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। 30 साल से बना रहे हैं? 30 साल। ज़बरदस्त। तो ये आपने सीखा है या आपने वालिदैन से? मेरे वालिद साहब। वालिद साहब से आपने ये सीखा है? माशाल्लाह। अभी भी हयात हैं? हाँ जी हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। ना, आप ये अपने वालिद साहब से इन्होंने ये फन सीखा है। और ये देखें, ये कुकर से गांव में ये समोसे तैयार हो रहे हैं, और ये इनके साथ इनकी कुलीग हैं भाई। पानी मार के हाथ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप इनके क्या लगते हैं? शागिर्द हैं माशाल्लाह। यहाँ नाज़रीन देखें, नस्ल दर नस्ल ये हुनर पास किया जा रहा है ये इनके शागिर्द में। भजन भजन बस और ये देखें, ये इस तरह ये समोसे फ्राई होते हैं। और ये माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं समोसे फ्राई करने में। बहुत ही लजीज समोसे लग रहे हैं ये, देखें देखने में इतने ज़बरदस्त लग रहे हैं। और ये जो इलाका है ये हेड लक्की के नाम से मशहूर है। और सामने एक ये नहर जा रही है, बड़ी खूबसूरत, बहुत कूल एंड काम एरिया है, खामोशी है, कुदरत के नज़ारे आप यहाँ कर सकते हैं, लड्डू खाएं, समोसे खाएं। और ये नवाज़ साहब बैठे हुए हैं, ये उनकी शागिर्द हैं, ये इनकी शॉप है। ये देखें, ये लड्डू यहाँ पे इसका मसाला तैयार हुआ तरह, और ये लड्डू बने हुए हैं। कभी आना हो सादकाबाद या यहाँ से गुज़र हुआ तो आप लोग लाजमी यहाँ के समोसे और लड्डू ट्राई कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, बनने के बाद ये देखें किस कदर माशाल्लाह लजीज लड्डू और समोसे हैं। ये मैं अभी खा भी रहा हूँ, काफ़ी मज़े का समोसा है। और ये शुक्रिया नवाज साहब का, इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हमारी हॉस्पिटैलिटी की और बहुत अच्छे इखलाक से मिले। अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे, इनकी कारोबार में बरकत दे। तो इंशाल्लाह नाज़रीन, अब नए शहर में नए लोगों के साथ आपको मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।